नमस्ते आदाब सत श्री अकाल जय भीम। मैं आपका दोस्त शफीक अंसारी और आप देख रहे हैं एक याद रफ़ी के बाद। इस सिलसिले को जारी रखते हुए अब जिस फनकार से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, एक बेहतरीन और शानदार टीवी आर्टिस्ट और फिल्मों में अपने अदाओं के जवहर दिखाने वाले बेहतरीन कलाकार, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सिर्फ इनका नाम ही कहूँगा तो आप समझ जाएंगे। मेरे ठीक बाजू रफ़ी साहब के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए बैठे हुए हैं जनाब तेज सप्रू साहब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। शकील भाई ने जब मुझे कहा कि रफ़ी साहब की ये 40वीं डेथ एनिवर्सरी है, तो मैंने कहा इमिजिएटली आ जाइए। जो भी थोड़ा बहुत मैं उनसे पर्सनली मिला तो नहीं था, लेकिन जो उनके बारे में सुनता था थोड़ी सी शेयर कर लेंगे आपके साथ चीज़ें। वैसे तो हमारे इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे गायक रहे हैं, लेकिन कहते थे कि रफ़ी साहब का है अंदाज़े बयां और, क्योंकि जब वो दिलीप साहब के लिए गाते थे तो उनका अंदाज बदल जाता था, जब वो राजेंद्र कुमार जी के लिए गाते थे तो एक अलग अंदाज होता था, और जब वो शमी जी के लिए गाते थे तो लगता था कि बिल्कुल बस कोई अलग ही शमी जी के लिए गा रहा है। और मैं क्या कहूँ, क्योंकि एक बार मेरे वालिद साहब सप्रू साहब ने फिल्म बनाई थी, उसके लिए वो रफ़ी साहब के पास गए थे कि भाई रफ़ी पैसे कितने लोगे तुम, तो हंसते हुए बोल दिए कि आप जो रुपया भी डाल देंगे लिफाफे में मैं वो कबूल कर लूँगा। तो गायक तो बहुत अच्छे ही थे, नेक इंसान भी थे, इसलिए सारी दुनिया हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी आज तक उन्हें याद करती है। सर आप ये चीज़ बताइए कि रफ़ी साहब के गाए हुए कुछ गीतों में आप को खूबसूरत अच्छा और मीठा कौन सा गीत लगता है? उनके तो सारे गीत आप मतलब शंकर जय किशन में मतलब आप ले लीजिए शमी जी का, लेकिन जो मेरा एक चॉइस है और मेरे क्या सप्रू साहब की भी वही चॉइस थी, फिल्म थी हंसते जख्म जो चेतन आनंद साहब ने डायरेक्ट की, तुम जो मिल गए हो तो यूं लगता है कि जहां मिल गया, उसमें जो बदलाव आते थे गाने, मतलब आप रफ़ी साहब का कोई भी गाना उठा लीजिए शमी भाई, मतलब ऐसे कम सिंगर्स पैदा होते हैं सर, तो कोई भी गाना उनका उठा लीजिए, भले वो मतलब अब शमी जी का एक अंदाज अलग था है, वो उस अंदाज में गाते थे, दिलीप साहब का अलग था तो उसमें गाते थे, तो मेरे को लगता है कि इससे कंप्लीट गायक कोई शायद ही पैदा हुआ हो। एक खास बात और एक दिल को चुभने वाला सवाल है, हमारे हिंदुस्तान में भारत रत्न अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो शुरू किया गया था, तो शुरू शुरू में बड़े बड़े नेताओं को ये अवार्ड दिया गया था, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ऐसे नेताओं को दिया गया, उसके बाद हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को ये अवार्ड दिया गया। मगर आज 40 साल होने के बाद भी 1980 से आज 2020 हो रहा है, करीब 40 साल रफ़ी साहब को हमसे जुदा हुए और उनके इतने बेहतरीन बेहतरीन गाने होने के बावजूद भी आज तक रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड से नहीं नवाजा गया, इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? देखिए ये है, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अवार्ड देता कौन है? गवर्नमेंट देती है। हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत से सिंगर्स हैं तो रफ़ी साहब का भी एक बहुत अहम रोल रहा है गायकी में हमारे, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये जितनी गवर्नमेंट्स हैं सब उनसे पूछना चाहिए कि भाई अगर बाकियों को मिला है तो रफ़ी साहब को क्यों नहीं। लता जी को मिला है जी? अच्छा, दोनों वो आई थिंक दोनों का गाना मतलब एक ही दौर में शुरू हुआ था, हो सकता है आगे मिल जाए। रफ़ी साहब पहले आए, इसके बाद लता जी आए। हाँ किशोर जी आए, मुकेश जी पहले से गा रहे हैं। तो पता नहीं कोई गवर्नमेंट आएगी तो करेगी, फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात होती तो फिर तो ये पहले से मिल गया होता लेकिन इसी अरे कमाल है सर, कई अवार्ड हैं। दो सिंगर्स तो मतलब मैं दूसरों को ये नहीं कहता हूँ कि उसमें महेंद्र कपूर जी की जो एक खींच थी वो शायद किसी की भी नहीं थी, ना किशोरदा की थी ना रफ़ी साहब की थी, जो खींच थी, लेकिन टोटल गायकी जिसको बोलते हैं उसमें रफ़ी साहब, हालांकि कोई उन्होंने सीखा नहीं था कहीं से, और वही किशोर जी का था, किशोरदा ने भी कभी किसी से सीखा नहीं, लेकिन फिर भी जो उन दोनों की गायकी थी। बाकी रही ये अवार्ड की बात, तो
अवार्ड अवार्ड क्या करना होता है। 40 साल मुझे हो गए काम करते हुए, कितने ऐसी जगहें आई हैं कि जहां मेरा नाम आया है अवार्ड के लिए और मिला किसी और को, जो और जिस फिल्म के लिए या जिस सीरियल के लिए मैंने काम किया था, वो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कबूल है करके एक सीरियल था मेरा जी टीवी पे, उसमें जो इमोशनल लेवल मैंने दिखाया है, लोग समझते हैं कि मैं एक्शन करता हूँ सिर्फ, तो उस टाइम नहीं मिला, नहीं मिला, ठीक है यार, पब्लिक देगी अवार्ड, पब्लिक के जहन में रहो, उनके दिल में रहो, वही बहुत बड़ी सबसे बड़ा अवार्ड होता है कि आज 40 साल के बाद भी हम सुबह से शाम रात, मतलब कि मतलब सप्रू साहब के दौर से उन्होंने गायकी शुरू की थी, जब सप्रू साहब गाया ही होगा 100%, क्योंकि उन्होंने उनकी फर्स्ट फिल्म तो शबिस्तान और वो एज ए हीरो 3 फिल्म रोमियो जूलियट, तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने गाया होगा ही, तो रिवार्ड अवार्ड अवार्ड सब मैं मानता ही नहीं हूँ, अवार्ड अवार्ड है जो पब्लिक है उनका प्यार है। आज की 40 साल के बाद आप मेरे घर पे आए ना पूछने के लिए, उनकी बर्सी है 40वीं, तो कुछ तो अवार्ड वही है। बहुत बहुत शुक्रिया तेज सप्रू जी आपका कि आपने हमारी एक ही बात पर रफी साहब के लिए कुछ कहने को तैयार हो गया और आपके घर। आखिरी एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा फैन था उनका, तो एक उन्हीं का शायद गाना है, उसको मैं एक दो लफ्ज ऐसे चेंज कर दिए, मैंने गाऊंगा नहीं हाँ, कि आपके हुनर की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से लोग ना समझ बैठे कि मैं आपकी इबादत करता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है।